हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। जो भी आपके पहले के जितने भी बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न पत्र आए हैं, उनमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं उन पर हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। लास्ट सेशन में हमने एक टॉपिक लिया था मोल फ्रैक्शन और दूसरा लिया था हेनरीज लॉ, ठीक है ना, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो आपने वो किए होंगे सॉल्व। आज के सेशन में हम कुछ न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे जो कि आपके 2022-2020 के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, ठीक है ना। उससे रिलेटेड पहले हम टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक्स के अंतर्गत वो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जैसा कि आपका पहला जो क्वेश्चन था, ये उत्तराखंड बोर्ड 2022 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिटरमिन द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। ओके, यहाँ पर हो क्या रहा है आपका, बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड को मिला करके एक विलयन तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। बेंजीन को 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में CCl4 में आपका डिसॉल्व किया गया है यहाँ पर, और उसके बाद जो सॉल्यूशन बना है उसमें आपने मास परसेंटेज क्या निकालना है, आपने जो आप द्रव्यमान प्रतिशत कह रहे थे ना उसकी आपने गणना करनी है। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी। अब सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है उस पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत आपका है क्या? जब हम किसी विलयन की बात कर रहे हैं, विलयन में आपके कितने घटक हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ पर किसकी बात की, बेंजीन की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात की उस न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ए और बी दो कंपोनेंट्स की बात करती हूँ कि ए एक कंपोनेंट है जो आपका विलायक है, ठीक है, और बी आपका एक दूसरा कंपोनेंट है जो विलेय है, ठीक है। ये दोनों ने मिल करके आपके पास ए था विलायक, इसमें आपने पी कोई विलेय ऐड कर दिया है, और अब आपका ये क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। ए और बी ने मिलकर के क्या बना दिया, एक विलयन बना दिया। अब इसमें हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं, कौन कौन से, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको, ए और बी दो कॉम्पोनेंट है, माना ए आपका क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जैसे हमने बात की थी वो है, और बी आपका क्या है, बेंजीन है। बेंजीन को आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाया और आपका एक विलयन बन चुका है, ठीक है ना। अब हमने उसमें ए का भी द्रव्यमान प्रतिशत बताना है और बी का भी द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, प्रतिशत को ध्यान में रखना है, आपने प्रतिशत निकालना है यानी परसेंटेज। जैसे आप अपने मार्क्स का निकालते हो, करते क्या है हम लोग, जो हमारे ओब्टेन मार्क्स होते हैं यानी कि प्राप्त अंक जिन्हें हम कहते हैं, उसको हम विभाजित कर देते हैं किससे, पूर्णांक से, यानी मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं उससे हम ओब्टेन मार्क्स को डिवाइड करते हैं और देन मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो हमें क्या पता चल जाता है, हमारे ओब्टेन मार्क्स का परसेंटेज पता चल जाता है। सेम यही कब होता है, जब अगर हमने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना है। सपोज हमने देखना है कि हमारे जो ओब्टेन मार्क्स हैं, सपोज आपके 400 मार्क्स आए हैं, उसमें से केमिस्ट्री का परसेंटेज कितना बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, उन 400 मार्क्स में से जितने भी, सपोज आपने 85 मार्क्स केमिस्ट्री में आपके आए हैं, तो वो 85 का आप परसेंटेज निकालते हैं। तो तब आप क्या करेंगे, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स है उस विषय में आपके जितने नंबर हैं उनको आप विभाजित करेंगे जो आपने टोटल मार्क्स आपके क्या है, आपने ऑब्टेन किए, प्राप्त करे हैं। जो 400 नंबर की बात की हमने, 500 आपके क्या हो गए, मैक्सिमम मार्क्स हो गए सपोज। तो अगर हमें सिर्फ मार्क्स का, टोटल मार्क्स का आपका परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 400/500 × 100 कर देते हैं, है ना। और अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना है उन सभी आप मार्क्स में से जो हमने प्राप्त किए हैं, तो तब आप क्या करेंगे, वो 85 को डिवाइड करेंगे 400 से, देन आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। सेम यहां पर भी वही हो रहा है, जब आप विलयन में किसी एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्योंकि मास परसेंटेज
द्रव्यमान के प्रतिशत की बात हो रही है तो द्रव्यमान लेंगे किस किस का, सभी चीजों का, ए का, बी का और पूरे विलयन का, ठीक है ना। तो यहां पर सपोज मुझे सबसे पहले विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। जनरली जब भी किसी क्वेश्चन में द्रव्यमान प्रतिशत की बात होगी, अगर वहां पर कंपोनेंट आपको पर्टिकुलरली नहीं नहीं बताया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में तो बताया गया था ना कि CCl4 का भी और C6H6 दोनों का आपको द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। अगर प्रश्न में नहीं कहा गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो वहां पर आप जनरली विलय का ही द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, क्योंकि ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले। क्या करेंगे हम अगर हमें विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, हमारे पास विलेय का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है हमारे पास, तो हम कैसे निकालेंगे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। GIC कोटाल गांव, कोई भी बच्चा बात करे, जितना भी आता है उतना बताइए, आता तो आपको सारा ही है लेकिन आप लोग आंसर नहीं करते। चलो माइक ले लो जल्दी से, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट है सभी, हैंड रेज करेंगे अगर क्लास ट्वेल्थ में है आप लोग, तो हाथ उठाइए अगर कक्षा 12वीं के छात्र है, ठीक है, तो ले लो माइक, जल्दी से माइक ले लो। आता है सभी को द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, हैंड रेज करो आता है तो। यस मैम, W अपॉन W, W अपॉन W, दोनों W है क्या? क्या नाम है बेटा आपका? मैम विलय और विलय होंगे मैम, विलय और विलायक। नाम क्या है आपका? विलय और विलायक होंगे मैम। आनंद मिश्रा। आनंद, आनंद आप विलय और विलायक की बात कर रहे हैं, विलय और विलायक का क्या लेंगे हम? मैम द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान लेंगे, द्रव्यमान तो प्रतिशत तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी गणना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला विले W बाय W, आपने ये कहा आपने, तो ये वाला W क्या है बताओ आनंद, ये वाला W क्या है जो अपने अंश में लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा? विले होगा मैम, विले का होगा, ठीक है, विले का, विले होगा। और जो आपने हर में लिखा है वो क्या है? विलायक होगा, विलायक होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमारा द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा आनंद, 100 से गुणा करना पड़ेगा मैम उसके बाद, 100 से गुणा करना पड़ेगा, वेरी गुड। अभी आ जाएगा? यस मैम। यस, चलिए कोई और बताएगा जो आनंद ने बताया वो सही है या गलत है, बताइए। सब लोग सहमत है इस फॉर्मूले से, हैंड रेज करो अगर आप लोग सहमत है इससे, तो हाथ उठाइए, ठीक है, वेरी गुड आनंद, सिट डाउन बच्चे। सारे लोग सहमत हैं, यानी सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ही गलत चल रहा है। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला जब आपको केमिस्ट्री के मार्क्स का परसेंटेज निकालना है तो उसको आप मैथ्स के मार्क्स से डिवाइड थोड़ी करेंगे। आपने तो केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस हिंदी प्लस फिजिक्स प्लस इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के टोटल से उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे टोटल क्या है आपके पास? टोटल मैंने आपको बताया विलयन है आपके पास। आनंद ने बहुत अच्छे से बताया कि यहाँ तो हम विलय का ही द्रव्यमान लेंगे लेकिन उसको विभाजित किससे करेंगे? विलयन के द्रव्यमान से करेंगे, समझ रहे हैं? किससे करेंगे? विलयन के द्रव्यमान से। हमने पूरा विलयन बनाया है ना, तो विलयन की बात करेंगे हम लोग कि विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा गया 100। समझ गए? क्लियर है अभी? हैंड रेस करो, समझ आ गया अभी तो। विलयन का द्रव्यमान होगा, जब भी हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत को निकालने के लिए एक तो जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं उसका द्रव्यमान लेंगे, बटे जिस पूरे विलयन का वो भाग है उसका द्रव्यमान लेंगे। और तब जैसे आनंद ने बताया कि गुणा 100 तो करनी है, जब भी प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम 100 से गुणा करते ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत विलय का। तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो गया? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा गया 100। अब मुझे बताइए विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, जल्दी से माइक ले लो जिसको आंसर करना है, आनंद के अलावा कोई और आंसर करे, कोटाल गांव बहुत इजी है अब तो, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया हमारे पास, विलायक का उसी तरह से आ जाएगा। यस,
विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? मैम साहिल आर्या। साहिल, साहिल ने बहुत अच्छे से बताया। क्या लेंगे हम लेंगे वही, बहुत सिंपल है, विलायक का द्रव्यमान। और क्योंकि विलायक क्या हो गया, विलायक हो गया, सपोज हम मैथ्स पढ़ रहे हैं उसका हमने मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, तो मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे हमारे साइंस से डम बच्चे, और डिवाइड किससे कर लेंगे, जो ओपेन मार्क्स है हमारे, जो हम 400 की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो विलियन का द्रव्यमान, गुणा 100। क्लियर है सभी को? बोलो, हैंड रेज करिए अगर समझ आ गया है तो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत क्लियर हो गया, सेम यही होता है आयतन प्रतिशत में। उसमें आप क्या ले लेते हैं, जहां जहां जिस जिस टर्म में आपने द्रव्यमान लिखा है वहां वहां आप लिख लेते हैं आयतन। बस अब आपने क्या करना है, अब आपने जो दिया गया आपको कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो आपका विलेय है विलायक है, उसका आपने आयतन लेना है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का जिसका आपको वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशत निकालना है, उसका आयतन बटे पूरे विलयन का आयतन गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत की बात करें तो गुणा 100 करेंगे। फिर अगर आपने विलायक का आयतन प्रतिशत निकालना है तो विलायक का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100, ठीक है ना। चलिए, किसकी बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी से लिखते हैं आप लोग। आयतन प्रतिशत, जीआईसी कोट्यालगांव, कोई आंसर करेगा विलय का आयतन प्रतिशत, साहिल और आनंद के अलावा बताइए। साहिल, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इनटू 100, ठीक है। और विलायक का क्या हो जाएगा साहिल, माइक ऑन करो। यस मैम, विलायक का आयतन, यस मैम, विलायक का आयतन बटे विलयन का आयतन इनटू 100। वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे, बस सिंपल सा है। तो ये क्वेश्चन अगर इनमें से किसी का भी आएगा, चाहे द्रव्यमान प्रतिशत का आएगा या आयतन प्रतिशत का आएगा, तो आप लोग आराम से उन क्वेश्चन के उन क्वेश्चंस को या उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसी श्रृंखला में जो हमारा प्रश्न आया था वो था कि इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्वड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिटरमिन द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। बताओ, इंग्लिश में समझ आ रहा है, हिंदी में लिखना है क्वेश्चन, हैंड रेज करो अगर हिंदी में लिखना है प्रश्न तो। समझ आ रहा है ना इंग्लिश में, साहिल माइक से बोलो, समझ आ रहा है कि हिंदी में लिखना है? एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन ये है कि 22 ग्राम क्या है, बेंजीन है, 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घोला गया है, ठीक है, तो आपका बेंजीन व कार्बन टेट्रा क्लोराइड का क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत याद कीजिए। अब समझ आ गया, हैंड रेज करो, प्रश्न समझ आ गया? यस मैम। अब चलो सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कैसे होगा, क्या क्या दिया गया है प्रश्न में, मास बताया गया है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, दो चीजों का द्रव्यमान आपके पास है। क्या क्या बोला मैंने, बेंजीन का द्रव्यमान बराबर 22 ग्राम और कार्बन टेट्रा
क्लोराइड का द्रव्यमान बराबर 122 ग्राम। अब निकालिए, चलिए क्या निकालना है हमें, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ। चलिए कोट्याल गांव माइक ले लो, साहिल और आनंद के अलावा कोई और माइक लेगा इस बार, ये ऐसी कोट्याल गांव, चलो कोट्याल गांव माइक ले लो जल्दी से। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, कैसे निकालेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम ऊपर क्या आएगा, ले लो माइक जल्दी से। साहिल समझ में नहीं आया, माइक लो, माइक से बताइए मुझे। यस मैम। समझ में नहीं आया मैम, टोटल आया मैम। बोलो, हंस क्यों रहे पहले, टोटल द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे पहले इसका, बेंजीन का, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बेंजीन का द्रव्यमान लिखेंगे मैम 22 धन बेंजीन का, बेंजीन का द्रव्यमान बटे क्या आएगा, यस मैम, बटे क्या आएगा, टेट्राक्लोराइड, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, क्योंकि हमने क्या बोला पूरे विलयन में हमने देखना है ना, विलयन किस चीज से मिलकर के बना हुआ, बेंजीन से और कार्बन टेट्राक्लोराइड से, ठीक है ना, तो हम अपॉन में क्या लेंगे, बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, यस मैम, क्लियर है अभी, चलिए, यस मैम, बेंजीन प्लस जो CCl4 है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान और गुणा 100 कर देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन का द्रव्यमान 22 बटे, बेंजीन का द्रव्यमान 22 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122 था गुणा 100, तो क्या हो जाएगा 22/144×100, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका मास परसेंटेज आ जाएगा किसका, बेंजीन का, ठीक है, कह रहे हैं आप, यस मैम, यस मैम, 15.82 आएगा मैम, 28, हाँ 27 समथिंग, तो 28 कर लेंगे आप, 15.28, यस मैम। अब देखो मास परसेंटेज का सिंपल एक फॉर्मूला और होता है कि अगर दो ही कंपोनेंट है तो दोनों का टोटल जो परसेंटेज होता है किसी भी चीज का वो हम 100% लेते हैं, ठीक है ना, एक कंपोनेंट का आपका आ गया 15.2 तो दूसरे का 100 में से माइनस इतना कर देंगे तो वो दूसरे का आ जाता है, क्लियर है। अब अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप 100 में से इतना माइनस कर देंगे तो बाकी बचे हुए जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की हम बात कर रहे हैं ना उसका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है, तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, साहिल अपने लेफ्ट वाले को माइक दे दो जो लेफ्ट में बैठे, क्या नाम है बेटा, माइनस करेंगे मैम 100 से, आजाद, आजाद 100 से माइनस कर देंगे, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा मैं कह रही हूँ फॉर्मूला लगाएंगे तो तब क्या होगा, यहाँ पर किसका द्रव्यमान लेंगे ऊपर, 122 बटे 122 बटे 144, यस, 122 किसका था, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटे पूरा विलयन का द्रव्यमान यानी बेंजीन प्लस CCl4 का द्रव्यमान, वेरी गुड, आजाद सिट डाउन बच्चे, गुणा 100 कर देंगे ना, तो इसका इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 84 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। चलिए तो आवश्यक नहीं है कि सेम प्रश्न आपका पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे कोई भी प्रश्न आएंगे चाहे द्रव्यमान प्रतिशत का हो, देखो सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ पर होती है, सबसे ज्यादा गलतियां हम करते हैं कहाँ पर, जहां पर हमें ये लिखना होता है विलयन का द्रव्यमान या विलयन का आयतन, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों कंपोनेंट के मास को यानी द्रव्यमान को ऐड करना भूल जाते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं 22/122, तो वो नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम विलयन के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी हमें प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा पहले जो कंपोनेंट का द्रव्यमान दिया गया है उसको, यानी प्रश्न को आपको पहले बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उसके बाद उसका आंसर करना है, क्लियर। चलिए तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोलैरिटी का क्वेश्चन है, ये आया है आपका 2020 में के प्रश्न पत्र में, उत्तराखंड बोर्ड का जो 2020 का पेपर है
उसमें ये क्वेश्चन आया है आपका। क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज डिजॉल्व इन वॉटर एंड सोल्यूशन इज मेड टू 800 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या कहा गया है प्रश्न में? 8 ग्राम कॉस्टिक सोडा को जल में घोलकर एट हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब का विलयन बनाया गया है मोलरता ज्ञात कीजिए, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए, किसकी समझ में आ गया प्रश्न? हैंड रेज करो, किस किस की समझ में क्वेश्चन आ गया है। कॉस्टिक सोडा आपका कौन सा कंपाउंड होता है? कुटियाल गांव, बताओ मुझे कॉस्टिक सोडा कौन सा कंपाउंड है आपका? यस मैम। हाँ जी, कॉस्टिक सोडा कौन सा कंपाउंड है मैम? NaOH। NaOH है, वेरी गुड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ठीक है, yes, ma'am. इसका मोलर मास निकाल लेंगे। सोडियम का 22.9 समथिंग होता है, 23 ले लेते हैं हम। ऑक्सीजन का आपका 16 हो गया, हाइड्रोजन का एक हो गया, टोटल कितना हो गया 40। उन्होंने दिया भी है कि जिसका आणविक द्रव्यमान 40, ठीक है, उस NaOH को आपको तोल करके दे दिया है मैंने 8 ग्राम, ठीक है। मैंने बोला 800 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम की यूनिट है आपकी, आयतन का मात्रक। आप ऐसे ही लेते हैं ना, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में, या फिर लीटर में लेते हैं हम, या मिलीलीटर में बात करते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब बताया गया है कि 8 ग्राम मैंने आपको तोल करके आपका कॉस्टिक सोडा दे दिया NaOH। अब आपको इससे एक सोल्यूशन बनाना है, किसके साथ? जल के साथ। इसको जल के साथ घोलना है 8 ग्राम को, और 800 सेंटीमीटर क्यूब का आपको एक विलयन बनाना है, ठीक है ना। अब इसकी मोलरता क्या होगी ये मुझे बताइए। सबसे पहली बात, मोलरता आपका होता क्या है, ठीक है। NaOH का जो भार है यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान है, दैट इज 8 ग्राम, 8 ग्राम है वो, और जो हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। मोलर द्रव्यमान वो कितना है? 40, यहाँ पर दिया गया है 40 ग्राम पर मोल, आप इसको लिखते हैं। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा कि हम निकाल लेंगे विलयन की मोलरता। मोलरता से क्या समझते हैं पहले वो बताइए मुझे, मोलरता क्या होती है? साहिल आजाद, साहिल किसी आजाद के जो लेफ्ट में बैठे हैं उनको माइक दो। यस मैम। क्या नाम है बेटा? हेलो, मयंक कुमार। मयंक, मयंक मोलरता क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। वेरी गुड, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में जब हम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? किसी भी विलयन की मोलरता हो, ठीक है ना। यहाँ मोलों की संख्या हम किसकी निकालेंगे? वेरी गुड, विलय की निकालेंगे ना। विलय क्या है? एक आपके पास देखो दो कंपोनेंट है आपके पास यहाँ पर विलयन, एक जल है आपका और दूसरा NaOH। तो जल आपका विलायक हो जाएगा, विलय क्या हो जाएगा? कॉस्टिक सोडा जो NaOH, तो उसके ही हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या की गणना कैसे करते हैं हम लोग, बताओ। वेरी गुड, कोई और जिसको आता है मोलों की संख्या की गणना कैसे की जाती है? मैम 8/8 का डिवाइड मैम 40 से करेंगे। वेरी गुड, तो 8 क्या है हमारे पास? विलय मैम, विलय का भार है। जो मैंने बोला ना 8 ग्राम जो आपने मेजर किया होगा, तोला होगा, वो 8 ग्राम मैंने दिया गया भार जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। और 40 क्या है? यस मैम, उसका मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान जिसे आप कहते हैं, जो एक अणु का द्रव्यमान होता है NaOH के एक अणु का द्रव्यमान। और ये क्या है जो तोल करके आपको बोला गया है कि 8 ग्राम आपको उसका लेना। तो यानी वेरी गुड आनंद से डाउन, जब भी आप मोलों की संख्या की गणना करेंगे, ठीक है ना, किसी भी चीज की, मोलों की संख्या बराबर होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी दिया गया जो द्रव्यमान है या दिया गया भार जो भी आप उसे बोले, बटे आपका क्या आ जाता है? NaOH का दिया गया भार बराबर 8 ग्राम, ठीक है। NaOH का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान जिसे आप कह रहे हो बराबर 40 ग्राम। और जब मैंने आपको कहा जब भी मोलों की संख्या की गणना आपको करनी है, मोलों की संख्या बराबर होता है
दिया गया द्रव्यमान या दिया गया भार बटे अणु भार या आणविक द्रव्यमान जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर लेंगे, 8 ग्राम अपॉन 40, 8 अपॉन 40 कर लेंगे, ठीक है। इतने मोल आपके आ जाएंगे। चलो कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, माइक ऑन करो। मैम साकेत, 0.2। 0.2 यस मैम, इसके जीरो आगे दशमलव मोल, मोल। इतने मोल है, ठीक है ना। यानी जिन 8 ग्राम की बात हम कर रहे थे, उन 8 ग्राम का मतलब है 0.2 मोल NaOH के वहां पर उपस्थित है। अब हमें क्या चाहिए, देखो मोलों की संख्या तो हमें पता चल गई है ना। जैसे मयंक ने बोला था कि मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन कहाँ है, ये है जो हमें 800 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ठीक है ना। तो आपका होता है, वी नो या हम जानते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है। तो 800 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 800 ml, ठीक है। और जैसे हमें मयंक ने बताया था कि हमको तो आयतन किस में लेना है, लीटर में लेना है, तो इस ml को आप कन्वर्ट कर देंगे किस में, अपने लीटर में, ठीक है ना। तो जब भी आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मिलीलीटर आपकी छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट क्या होती है, लीटर। 1 लीटर में आप बोलते हो 1000 ml हमारे, ठीक है ना। तो बड़ी यूनिट कौन है, बड़ी यूनिट लीटर है। तो आप चल रहे हैं मिलीलीटर से लीटर को, तो आप क्या करेंगे, वहां पर डिवाइड करेंगे। और जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तब आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर आपको लीटर को कन्वर्ट करना है एमएल में, तो तब आप 1000 की वहां पर मल्टीप्लाई करते थे। तो अब इस 800 ml को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, लीटर में। और अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे मोलर। आप लिखेंगे विलयन की मोलरता बराबर NaOH के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर, क्लियर। तो उस 800 ml को आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में, तो 800 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.8 आपका आ जाएगा। तो NaOH के मोलों की संख्या 0.2 और 0.8, बस इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो इतनी क्या आ जाएगी, आपकी मोलारिटी आ जाएगी M, और मात्रा क्या हो जाएगा, NaOH के मोलों की संख्या मोल में लेंगे और आयतन आपका आ जाएगा लीटर में, तो मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर। क्लियर है इतना, बोलो आ जाएगा। 0.25 आपका मोल पर लीटर, इसकी क्या आ जाएगी, मोलरता आ जाएगी। हाँ जी साहिल, बोलो क्या बोल रहे थे आप। यस मैम, 0.0, मैम 0.25। बोलो आज का सेशन सभी को समझ में आया, यस मैम। हैंड रेस करो, समझ में आया सभी को, तो हाथ उठाइए। वेरी गुड, चलिए तो न्यूमेरिकल दे रही हूँ मैं आपको, न्यूमेरिकल है आपके लिए, एक होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आपका है आपकी बुक में, ठीक है ना। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है 1.15 × 10⁻³ - 3, 1.15 × 10⁻³ - 3 सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, अभिकारक जो कि आपके पास 5 ग्राम जिसकी सांद्रता है, वो कितना समय लेगा कम होकर के 3 ग्राम में कन्वर्ट होने, ठीक है। ये प्रश्न आपका होमवर्क में, ये आप बुक में देख लेंगे, ठीक है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, और यहाँ पर आपका जो T इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 2.303 / K log आपका ये आ जाएगा ऊपर 5 ग्राम / 3 ग्राम, यानी कि जो पहली आर आर 0/r करते हो ना, तो वही कर लो, ठीक है। चलिए, और जितने भी न्यूमेरिकल है उनकी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूअसली करते रहेंगे।
तो आज के सेशन में क्या क्या किया, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत देखा, दूसरा आयतन प्रतिशत, एक दो हमने न्यूमेरिकल देखे यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल करने हैं, एक द्रव्यमान प्रतिशत का न्यूमेरिकल देखा, साथ ही हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा मोलैरिटी का। बहुत अच्छे से आप लोगों ने आज के सेशन में रिस्पॉन्स किया, GIC साभा वाला के बच्चों ने और GIC कोटालगांव के बच्चों ने तो बहुत अच्छे से आंसर्स भी किए, जिसमें आनंद, साहिल, आजाद, मयंक सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। और इसी तरह अपनी तैयारी को करते रहना है, कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कहीं पर भी पूछ लेना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में, ठीक है ना। चलिए तो आने वाले सेशन में इन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैंने जैसा आपको बोला है तो नॉमेनक्लेचर जो हमारा नाम से नेमिंग रिएक्शन जो भी हमारी है वो सारी क्लियर हो चुकी है, LMS में आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, सारी नाम से जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा जो भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में आपका जो भी न्यूमेरिकल बन रहा है उनके प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, बाकी आगे आने वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।